दांतों की हर बीमारी के लिए मेरठ का आधुनिकतम और उच्च तकनीक वाला क्लिनिक ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। आनंद डेंटल क्लिनिक A46 साकेत मूर्ति हॉस्पिटल चौराहा मेरठ। कानपुर दंगे के संदिग्धों के पोस्टर जारी होने के बाद उपद्रवियों में बेचैनी है। कुछ नाम ऐसे भी सामने आए हैं जिन्होंने पोस्टर चस्पा होने के बाद खुद थाने पहुंचकर समर्पण कर दिया है। पहली कड़ी में 40 लोगों के पोस्टर जारी किए गए थे। इस मामले में अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जॉइंट CP आनंद प्रकाश तिवारी ने कहा है कि यह कहना गलत है कि केवल एक वर्ग विशेष के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी तक केवल उन लोगों के पोस्टर जारी किए गए हैं जो घटना के दौरान घरों में लगे कैमरों में कैद हुए थे। पुलिस प्रशासन ने कुल 187 ऐसे मकानों को चिन्हित किया है जहां से पथराव किया गया था। बुलडोजर चलने की आशंका के बीच कानपुर के शहर काजी मौलाना अब्दुल कद्दूस हादी ने कहा है कि अगर कानपुर में बुलडोजर चला तो लोग कफन बांध करके बाहर भी निकल आएंगे। शहर काजी मौलाना का यह बयान किस तरफ इशारा कर रहा है, यह एक सोचने विषय है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।